जिला मंडी की नाचन विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय से प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी के नेता तथा जिला कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर के प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान अपनी स्थानीय पंचायत महादेव में शिव आर्ट रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कमेटी के प्रधान मनोज कुमार ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर आयोजकों को रामलीला मंचन को लेकर बधाई दी। अपने संबोधन में ब्रह्मदास चौहान ने कमेटी के अध्यक्ष व सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि रामलीला का आयोजन कई सदियों से किया जा रहा है और आज भी लोगों ने इस परंपरा को संजोए रखा है, जो कि सराहनीय कदम है। रामलीला कमेटी में हर साल की भांति मुझे जो प्यार सदैव मिल रहा है और ऐसा मिलते रहे, मैं रामलीला कमेटी को अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने एक समाज के उत्थान के लिए भगवान रामचंद्र जी का जो एक रामायण के रूप में जनता के बीच में इसको दिखाया जाता है। मैं ये चाहूंगा कि इस रामलीला जो आयोजन किया जा रहा है, तो मैं अपनी समस्त जनता से और मेरे छोटे भाई व बच्चे और मेरी माता, मैं तो यही चाहूंगा कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो अपने माता पिता का जो आगे का जो पालन किया, उसी तरह मैं चाहूंगा इन बच्चों से भी और अपने भाइयों से भी यही चाहूंगा कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने माता पिता का कहना मानकर 14 साल का वनवास काटा, तो इसी तरह ये संकल्प लेके चलना चाहिए कि हमें भी अपने माता पिता के आशीर्वाद से संसार में अच्छी सेवा और समाज सेवा के रूप में काम करें। इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।